वो लॉलीपॉप दिखा रहा है। स्थिति बड़ा भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का गंभीर है। वो चंगला गए हैं, पंगला गए हैं, इससे कुछ होना जाना है नहीं। हम तो एक ही बात कहेंगे, इनका दिमाग सठिया गया है। इनका लालू जी का दिमाग सठिया गया है कि दनिये नहीं तो मिठवा क्या खाएंगे, वो सब बात नहीं। बूढ़ा का दिमाग सठिया गया है, लालू सठिया गए हैं और पीएम मोदी पगला गए हैं। ये विवादित बयान है जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का, जिनको लालू यादव सठियाए हुए लगते हैं तो पीएम मोदी पगलाए हुए लगते हैं। ये बात सही है, उन्होंने फर्स्ट बार चाय बेचने वाले का बेटा बनके या गरीब अति पिछड़ा बनके वोट ले लिया, लोगों ने जम के दिया। फिर दोबारा उन्होंने ऐसा काम किया, पुलवामा वाला काम करके उन्होंने अपने देश के वीर बहादुर जो रक्षक करते हैं, हम लोग के घर में बैठे हुए हैं, उनकी हत्या करवा दी और एक दो रोज के बाद पुनः बदला ले लिया। तो लोगों को लगा अरे बाप रे बाप, इन्होंने तुरंत बदला लिया। वो लॉलीपॉप दिखा रहा है। स्थिति बड़ा भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का गंभीर है। वो चंगला गए हैं, पंगला गए हैं, इससे कुछ होना जाना है नहीं। कभी ट्रेन में आधे कपड़ों में घूम जाते हैं तो कभी बिहार के पुलिस अधिकारियों को गाड़ी में डंडा रख के हड़काते हैं। जेडीयू विधायक अक्सर अपने कारनामे और अजीबोगरीब बयान की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। अब एक बार फिर गोपाल मंडल चर्चा में है। वजह है लालू यादव और पीएम मोदी पर अनर्गल बयान देना। दरअसल जेडीयू विधायक गोपाल मंडल राहुल गांधी को लालू यादव द्वारा आगे बढ़ाने वाले बयान को लेकर के उनसे नाराज है। गोपाल मंडल के नजर में सीएम नीतीश ही पीएम मटेरियल है, लेकिन यहाँ पटना बैठक से लेकर के मुंबई बैठक तक में जब लालू यादव ने हर बार राहुल गांधी का नाम आगे बढ़ाया तो उसको लेकर के गोपाल मंडल में नाराजगी दिखी। नीतीश के अलावा वो किसी को भी देखना नहीं चाहते। यही वजह है कि जेडीयू विधायक ने जमकर लालू और पीएम मोदी दोनों के ऊपर अपनी भड़ास निकाली। एक को सठियाया हुआ कहा तो दूसरे को पगलाया हुआ। गोपाल मंडल के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। बता दें कि लालू यादव को लेकर दिए गए बयान पर जहां आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस तीनों ही जेडीयू एमएलए पर हमलावर हैं, उनके बयान की घोर निंदा की जा रही है, तो वहीं बीजेपी भी गोपाल मंडल, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस तीनों ही जेडीयू एमएलए पर हमलावर है। ऊट पटांग उल जलूल बोलने के लिए आदरणीय लालू प्रसाद जी पर वो क्या बोलेंगे? जेडीयू के माननीय विधायक है, जेडीयू नेतृत्व इस पर संज्ञान लेगा। किसी प्रकार की प्रतिकूल टिप्पणी करना ही हम समर्थन तो नहीं करते हैं, हम इसकी निंदा करते हैं। और वैसा कोई व्यक्ति देता है तो उसे मैं सलाह देता हूं कि इस तरह के महान व्यक्तित्व पर इस तरह के कीचड़ उछालने का काम न करें। और सठिया गए, वो इतने अच्छी बातें कर रहे हैं, बैठक में उन्होंने अच्छी अच्छी बातें की और आप कह रहे हैं सठिया गए, ये तो उनकी सोच है बोलने का। लेकिन अगर उनको तो पूरे बिहार से, क्या आप जब गठबंधन में हैं तो क्या आप उनके वोट, उनके साथ जो वोट जुड़े हैं आपको नहीं मिलना लेना है? ये उनको क्या बोले हैं, हमको समझ में नहीं आता वो इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं। गोपाल मंडल के बयान की घोर निंदा हो रही है। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के अलावा बीजेपी भी गोपाल मंडल और जेडीयू पर कटाक्ष कर रहे हैं। गोपाल मंडल ने अपने बयानों से बिहार में एक बार फिर एक नया विवाद छेड़ दिया है। भागलपुर से निभाष मोदी की रिपोर्ट, बिहार तक।